बोलिए घरे अवतार की जय हो। आज आपको सुना रहे हैं भैरवर किस प्रकार रामदेव महाराज ने भैरव राक्षस का वध किया। राम दे भी रम दे दड़ी खेलन चालिया। राम दे भी रम दे रे दड़ी खेलन चालिया। उछलती दड़ी कटोरो मारियो जीवो मारियो जी बारी बारी वो रामा पीरने। उछलती दड़ी कटोरो मारियो जी बारी बारी वो रामा पीरने। जो जो धावे जारे बापो भेड़ो आवे जो जो धावे जारे बापो भेड़ो आवे। पापी नुकरा सुटो तो पापी नुकरा सुटो तो जावे जीवो यो तो जावे जी वारी वारी वो रामा पीरने। दड़ी खेलन चालिया चालिया। उछड़ की दड़ी के टोरो मारियो मारियो। रामदेव जी महाराज भी गिंडी के लगायो शॉट। अब्बा गिंडी उंडू काश्मीर उंडी पोकरण में बाणीनाथ जी संत रहे बांके आश्रम में बा गिंडी आर पड़ी बठे भैरव राक्षस आया कर तो बाणीनाथ जी भैरव राक्षस का गुरु है। रामदेव जी महाराज कहने लगे भाई साहब मैं गिंडी ले रहा हूं रामदेव जी महाराज पोकरण में आ जाए बाणीनाथ जी का आश्रम पर। बाणीनाथ जी कहने लगे रे बेटा तू क्यों आएगो अरे बेटा वापिस चलो जा। रामदेव जी महाराज कहने लगे क्यों महाराज मेरी एडे गिंडी आएगी मैं गिंडी ले आयो। अरे क्या की गिंडी तू अठो बेगो भाग बात की है बोला अठे बार भैरव राक्षस आवोलो और वो देखता ही खाया लो तेरे बेटा तू छोटो टाबर मन तेरे पर बहुत दया आवर है तेरे घर का आकुल छोड़ दियो यार तू कहीं आए बैठे कहीं आप मारक बोल गो। रामदेव जी महाराज बोलिया महाराज भागू को नहीं छतरी ने घर में बाबा मैं जन्म लियो है। विनोद कुमार वेरी नश छतरी वो घर में बाबा में जन्म लियो है। हमारे दाग लगे जावे जी वो जावे जी वारी वारी वो रामा पीरे में। हमारे दाग लगे जावे जी वो जावे जी वारी वारी वो रामा पीरे में। Thank you.
बाबा में जन्म ली है क्या दाग लग जाओ बाघू बनी। अरे क्या कोनी भागे विनोद कुमार कोई छोटा चुटकुला भी चुटकुला ले बात आए देखो समझ में आवे वो ध्यान लगावे नहीं समझ में आवे बिगे घास सो कटे भी नहीं भी अमल आ गया। एक सेठ कपड़ा को व्यापारी रोजना दुकान में काम किया कर तो सेठ रानी रोजना मंदिर का मां गया करती। एक दिन मंदिर का मां ने भागवत कथा हुई सेठ रानी सेठ ने कहने लगी सेठ जी कथा में बहुत राम रस आवे थे भी सुनमान चालो। सेठ बोले दरी गोली पार पड़े क्यों बोले दिखे गोली मेरा ग्राहक कथा नहीं अठे तो शान को नहीं आवे बटे घड़ा चालू बाबूली को काम तो जिंदगी में ये ही रह लो चलो आप भागवत कथा सुन सा बोले आज तो बन जाऊ का चलो चालू ला जे दूसरा दिन बोले सेठ जी लो आज चला सेठ मनो विचार करो जाऊ तो कोनी हा लेकिन नहीं जाए शान रोटियां खोटी हुई जहां बिना मन को सुली होगी जार बटे बैठ को सेठ रानी भी को तो वो राम रस लिए और सेठ भी आएगी संगत मगते बैठे डो को नहीं हो बी का बाप कथा नहीं समझ में आई जरा भी नींद आवा लाएगी आगला बंडा बैठे हुए बिकर दिया बैठी की वो बाउड बोले के बात है सेठ जी नहीं ना बोले आवे बोले सो जाओ अब वो तो बिका मंगरा गए लगाए शिरानु अर सोए को सोता है बिना दुकान वालों सपना आयो क्योंकि बिको ध्यान बैठे को नहीं बिको ध्यान हो दुकान में कि मड़ा कथा है ग्राहक हम हेर बच लिया जाए लार दुकान वालों सपनो आयो एक ग्राहक आए आर बोले सेठ जी कपड़ों दिखाओ जरा वो दो तीन थान के लिया मुंडा ओ 25 रुपया मीटर है ओ 30 रुपया है ओ 35 रुपया बोर पुरसो दियो बोले 25 साढ़ो 23 में दे दियो। सेठ बोले हाँ राम का राम करी पार पड़े मंगो पड़े बोले मंगो पड़े ना टाल कर दियो मेरे रोकड़े में ले लिया वो जावा लगे अरे बोले भाई रुक 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 यहाँ भागे में ना पड़े तो मंगो है पर तू मारो ग्राहक पक्को परमानेंट ग्राहक तन तो देड़ो ही पड़सी चाहे मारे दोष हो फाड़ दूंगे बोले फाड़ दो। अब बैठे थान थोड़ी हो के फाड़ो नीना में वो आगला बंडा बैठे हो बियाली कमीज के बिलियो गए लो और बिन जड़धड़ी फाड़ गिरी। अरे वो बाउड बोले रे तू के गिरे मेरी कमीज फाड़ गिरी शर्ट की नींद उगड़ी बोले कमीज का लागी भाज दे तू मेरो ग्राहक बता ती जर मक्षण गयो तो नहीं है चुटकानी बात है ये की और भी सुनाता रहेगा। रामदेव जी महाराज कहने लगे छतरी घर में बाबा जन्म ली है भाग्या दाग लग जावे बाबू बनी यदि को थारो भैरव राक्षस आवे है तो अब आज चल बड़ना जी मन में विचार करे देखो रे कत्तो बोल है टाबर है बाल हट ओ है अबारी की मौत आजे ही अठे सिर के ऊपर अरे मार गिर सी पर देखो मान नहीं है अत्यार ने भैरव राक्षस आनी तूफान के साथ मातो दिखे बोले बदबो आवे अब तू ये काम करे भाग्य तो बनी आ हमारी गुदड़ी है गुदड़ी के नीचे उड़ जा विनोद कुमार वेरी गुड तेरी उम्र है जरा तो बच्चे ऐसी है नहीं अबार भैरव माता ही खाली है तो रामदेव जी महाराज ने गुदड़ी के नीचे बांट दिया भैरव आयो भी नहीं आदमी की सुख नया कर दी आज और बालीनाथ जी कहने लगे हो बाबा जी थारा मंडे में मानसियो बासे बाबा जी थारा मंडे में मानसियो बासे मानसियो नजरे को नी आवे जी वो आवे जी बारी बारी वो रमा पीरे मानसियो नजरे को नी आवे जी वो आवे जी बारी बारी वो रमा पीरे बाकी नुगड़ा सुन टोटो जावे जी वो यो तो जावे जी बारी बारी वो रमा पीरे ए बाकी नुगड़ा से टोटो जावे
जय हो। हाँ हाँ सही। बाबा जी थारा मन में मानसियों वासे मानसियों नजर नहीं आ मन डे आदमी की सुन नारी है लेकिन दिख रही नहीं है। बाड़ीदा जी कहला गया तू बारा बारा कोस के माने आदमी को छोड़े अठे क्या को आदमी है। बैरो राक्षस मन में विचार कर के आप उस सगल को लियो उसके ओ बाबा जी झूठ बोल रहे थोड़ी की खिंचाई करा बार बेरो पड़ी जी। बाड़ीदा जी ने बैरो राक्षस कहला गयो एहे थारी मौत आई रे जोगीड़ा कया थारी मौत आई रे जोगीड़ा मानसियों पता दे नहीं आऊ जी वो तने आऊ जी बारी बारी वो रामाती रे ने मानसियों पता दे नहीं आऊ जी वो तने आऊ जी बारी बारी वो रामाती रे ने जो जो इनामे जाने बाबो भेड़ो यावे जो जो इनामे जाने बाबो भेड़ो यावे भाभी रे ने रासे दो दो जावे जी वो यो दो जावे जी बारी बारी वो रामाती रे बाबी रे नगर सेंटर को जावे जी वो यो तो जावे जी हरी वारी वो रामा पीरे ने जो भी भाई लाइक कमेंट शेयर कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। कहिया थारी मौत आई जोगीड़ा बैरो राक्षस कहने लगे बाड़ी नाथ जी ने कहिया थारी मौत आई रे जोगीड़ा मानसियो बता दे नहीं तन खा कह तो बता दे नहीं गुरु की अति छाप राखू ना अब के नंबर तेरो रामदेव जी महाराज देगा बाबा जी ग्रामा तो आएगी छोड़े आपा ही क्यों दिखाओ जरा फर्क है। रामदेव जी महाराज सुत्या सुत्या आप भी पुतड़ी नहीं आना है सुत्या सुत्या रामदेव जी पुतड़ी हलाए सुत्या सुत्या रामदेव जी पुतड़ी हलाए भैरूड़ा ते पूछा तो बसारी जी बारी बारी वो रामाती रे भैरूड़ा ने पूजा तो पसारी जी बारी बारी वो रामाती रे जो जो जावे जा रे बाबो भेड़ो आवे जो जो जावे जा रे बाबो
बाबो भेड़ो यावे बापी रे नुगरा से डोडो जावे जी वो यो तो जावे जी बारी बारी वो रामा तीरे ने बापी रे नुगरा से डोडो जावे जी वो यो तो जावे जी बारी बारी वो रामा तीरे सुत्या सुत्या रामदेव जी गुदड़िया अलाई बैरूड़ा ने भुजा पसारी पसारी भई अनि ने गरीब बैठे ने मनु विचार करियो ई बाबू जी क्यों हम जड़ करा क्यों हैज को तो भी गुदड़ी के नीचे है आपने जारी काट लिया जाय और भी गुदड़ी खींचवा लागो खींचते खींचते वो हार को पापीड़ो खींचते खींचते हार को पापीड़ो गुदड़ी रो पार कोनी गुदड़ी रो पार कोनी गुदड़ी रो पार कोनी पायो जीवो पायो जी मारी मारी को रामा पीरे ने गुड़ी रो पार को नी पायो जी वो यो तो पायो जी मारी मारी को रामा पीरे ने जो जो ही धामे जारे बाबो भेड़ो यावे जो जो ही धामे जारे बाबो भेड़ो यावे मीरे नुगरा से डोडो जावे जी वो यो तो जावे जी मारी मारी को खींचत खींचत वो पापीड़ो गुदड़ी को फार नहीं पायो खींचता खींचता बड़े डोंगरा लगा दिया लेकिन न तो भी गुदड़ी के नीचे क्यों निकले न भी कोई गुदड़ी को हमता हुए तो वे क्या करें कि मारा गए भूत भाग गए बैरू राक्षस की भुजा थकी खींचता खींचता वो देखे कि गुदड़ी के नीचे बुलाए बहुत फैटी है जिनू चावा तो ठो बेगा भागो तो गुदड़ी छोड़ और बैरो भागे ये बात अपने के श्रोता फेसबुक के माध्यम से बेटे बेटिया लॉकडाउन का पालन करता हुआ आनंद ली आनंद ली गुदड़ी ने छोड़ बैरो मंडे मासू बाग्यो गुदड़ी ने छोड़ भरू रे मंड मासू बाग्यो पकड़ी कर समू समू जायो जी वो बोतो जायो जी वारी वारी वो रमा पीरे पकड़ी कर समू समू जायो जी वो जायो जी वारी वारी वो रमा पीरे जो जो धावे जारे बाबो भिड़ो यावे जो जो धावे जारे बाबो भिड़ो यावे मीरे नुगरा से डोडो जावे जी वो यो तो जावे जी वारी वारी वो रमा पीरे मीरे नुगरा से डोडो जावे जी वो यो तो जावे जी वारी वारी वो रमा पीरे आजमल कह रहे हो तारे की जय कही है क्या कही है गुदड़ी ने छोड़ भरु मंड मासू बाक्यो बाखरड़ी के समुद्र है ये बाखरड़ी नाम की डोंगरी भी प्रभाव छूट गयो बालिका जी
पिछो होशियार गादे जो टावर किया नहीं है। रामदेव जी महाराज ने बाली नाजी कह लग गया, अरे भागो भागो रामदेव ओ बहरूड़ो जावे, भागो भागो रामदेव ओ बहरूड़ो जावे। भाग्या पछ हाथ पोनी, भाग्या पछ हाथ पोनी, भाग्या पछ हाथ पोनी आवे जी, आवे जी वारी वारी वो रामा पीर में। भाग्या पच हाथ कोनी आवे जी वो तो आवे जी वारी वारी वो रामा पीर में। जो जो जावे जाने बाबो भेड़ो यावे, जो जो जावे जाने बाबो भेड़ो यावे। नुगरासे भाभीरे नुगरासे डोडो जावे जी वो तो जावे जी वारी वारी वो रामा भागो भागो रामदेव रुड़ो जावे, भाग्या पछ हाथ नहीं आवे ओ भाग्या फिर हाथ को लगे आग्रह देखो जा। रामदेव महाराज कहने लगा, महाराज ओ भागर जासी गड़े इन जगह गड़े है, राजा बलि के द्वार गयो तीन पैर धरती मांगी दो पग टेक तीसरी जगह नहीं मिली, ओ बड़े जासी इन दुष्ट को आज अंत आएगो। बाकरड़ी पर चढ़ता बाबो भैरूड़ा ने नावड़ियो, बाकरड़ी पर चढ़ता बाबो रे भैरूड़ा ने नावड़ियो। विक्की वाट वाह वाह बहुत बढ़िया, हमसे अब जुड़ गए हैं राजस्थान के मशहूर ढोलक वादक भाई विक्की नरगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम भाई, खुश रहो भाई खुश रहो। आज पूरी राजस्थान में विक्की भाई और इनका छोटा भाई वो पेड़ पे दोनों जुगल जोड़ी पूरे राजस्थान में अपनी कला की पहचान बनाई, अपनी धूम मचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी लगन और मेहनत को प्रणाम करते हैं। किशोर मेलासी वेरी वे वेरी नाइस मामा जी, थैंक यू वाणिजा। बाकरड़ी पर चढ़ता बाबो भैरुणा नावड़ियो, पक्ष शिला सरकाई डोंगरी पर चढ़ता पकड़ी गलपटी गेरे नीचे, अरे मोटी सी शिला मेल दी ऊपर। भाकरड़ी भैरुड़ा ने मार बाबो रूनी जो फसायो, भैरुड़ा ने मार बाबो रे रूनी जो फसायो। जोत से माई जी सवाई जी विक्की वाट कह रहे हैं धन्यवाद भाई साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई। जुग में जोत से माई जी सवाई जी
बारी बारी गोरा बापी रे जो जो जावे जारे बाबो खेलो यार जो जो जावे जारे बाबो खेलो यार पूरे नूरा से डूबो जावे जी वो यो तो जावे जी बारी बारी गोरा बापी रे पूरे नूरा से डूबो जावे जी वो यो तो जावे जी बारी बारी गोरा बापी रे से रामदेव जी महाराज ने भैरव राक्षस का जो आदम खोर बन गया था उनका वध किया, उसका अंत किया। इसी प्रकार से रामदेव जी महाराज जैसे जैसे बड़े हुए और अपने चमत्कारों से अपने जीवन में जितने भी जो भी काम करने थे वो अपने जीवन में किए, अनेक परिचय दिए हैं, काफी पर्चे हैं। आज तो बस इतना ही। सब अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारा प्रोग्राम चलाने का मकसद है। लॉकडाउन चल रहा है, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, नियमों का पालन करें। और धन्यवाद भी आपको कि आप नियमों का आपने नियमों का पालन किया है, तभी तो ये महामारी कुछ कम हुई है। इसी प्रकार से आप सजग रहेंगे तो जल्दी ही इस महामारी से छुटकारा मिल जाएगा और हम फिर से आनंद मंगल के साथ में अपने जीवन में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। विमल शर्मा, वह क्या बात है, जय हो जय हो जय हो भाई। विमल भाई आज तो काफी कलाकार हमारे जुड़ गए हैं, मशहूर ढोलक वादक भाई। और अभी भाई विमल शर्मा जो अपनी कला का दो तीन डिस्ट्रिक्टों में वरना राजस्थान में अपनी कला का लोहा बनवा रहे हैं और धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपको। यश सिंह जय हो। आज तो आपको भैरववध की कथा सुनाई, कल रामदेव जी महाराज की कथा है, आगे का भाग आपको सुनाया जाएगा, सुनना ना भूलिएगा। इसी के साथ में ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।